नमस्कार। तो क्या एंकर सुधीर चौधरी फिर पड़ सकते हैं मुश्किलों में? आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि सुधीर चौधरी जो है बार बार विवादों में आते रहे। पहला स्मृति रानी जी द्वारा उन्हें तिहाड़ जेल की याद दिलाना, जिनके बाद उनको फिर भाई सीएम के बारे में बोलना, उस बात पर उन पर विवाद छिड़ा था, जिसके बाद अब तीसरी बार है सुधीर चौधरी के साथ, जो कि भाई कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी शेयर करते हैं। एक साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद जीत सुनिश्चित हो गई है। अतः न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने आज तक के सरकारी एंकर सुधीर चौधरी के प्रचार वीडियो को काल्पनिक और गलत पाया और सभी प्लेटफॉर्मों से वीडियो को हटाने का आदेश जारी किया। अच्छी लड़ाई। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, सुधीर चौधरी के एक पुराने वीडियो की बात कर रहे हैं। वीडियो तब का है जब राहुल गांधी की जो है सदस्यता जो है एक साल के लिए सस्पेंड हुई थी, मतलब सदस्य एक साल के लिए रद्द की गई थी राहुल गांधी जी की, तब की ये वीडियो का एक क्लिप है सोशल मीडिया पर, जो कि सुधीर चौधरी द्वारा बताया गया था। इस वीडियो में सुधीर चौधरी ने एक चोर के एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि अगर चोर पकड़ा जाता है तो वो कहेगा कि मुझसे बड़े चोर तो, जैसे कि उन्होंने कहा कि नीरव मोदी हैं और मेहुल चौकसी हैं, उनको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। इस तरह से सुधीर चौधरी ने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया था। एग्जाम्पल में सुधीर चौधरी ने चोर का कंपैरिजन राहुल गांधी जी से करा था, जिसके बाद जो है ये लड़ाई लड़ी गई और एनपीडीएसए द्वारा ये फैसला आया कि चोर का और राहुल गांधी का कोई जो उसमें आपने एग्जांपल मतलब जिस तरीके से बताया था वो कुछ कनेक्शन बैठता ही नहीं, एक बात इधर की हो गई, बिल्कुल बात का कोई मैच खाया ही नहीं जिस तरीके का एग्जाम्पल देते हुए सुधीर चौधरी ने बताया था। तो जिसके बाद एनपीडीएसए का ऑर्डर आया और एनपीडीएसए ने जो वो सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी की क्लिप थी जिसमें सुधीर चौधरी ने एग्जांपल दिया था जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तो कहा कि जो वो वीडियो है उसको सभी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर, यूट्यूब हो और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उन सभी प्लेटफॉर्म पर से आपको वीडियो हटाना पड़ेगा। श्रीनिवास बीवी एक पोस्ट में लिखते हैं, अब सावरकर बनने का समय है। एनपीडीएसए ने तुम्हारे प्रोपोगेंडो को बेनकाब करते हुए इस भ्रामक वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट करने का आदेश जारी किया है। माफी आप मांगेंगे या फिर चैनल? सुधीर चौधरी जी माफी भी मांगेंगे तो माफी मांगने में भी इनको शर्म नहीं आएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।